वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आनंद बाजपेयी फ्रॉम मुंबई। आपका प्लान तो बेहतरीन है, मुझे बहुत पसंद आया आपका प्लान। आपके प्रोडक्ट्स भी वर्ल्ड क्लास है, मगर समस्या यह है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब आपके प्लान में जुड़ना तो चाहता हूं, मतलब मैं दिल से बता रहा हूं कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्लान और वाकई में दम वाला प्लान है, लेकिन क्या करूं सर, पैसे नहीं है मेरे पास। क्या आपके सामने भी ऐसा कभी सवाल आया हुआ है? आई एम श्योर सबसे बड़ा अगर ऑब्जेक्शन अगर हम नेटवर्कर्स को आता है तो यही है कि आपका कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्ट सब कुछ देख लेता है और देखने के बाद में एक बॉल आपकी तरफ डालता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और आपकी बत्ती गुल हो जाती है। तो आज बने रहिएगा इस वीडियो में, आज इसी प्रॉब्लम का मैं आपको एक नहीं बल्कि दो सॉल्यूशन दूंगा। ऐसे मेरे पास 5 सॉल्यूशंस हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम 2 सॉल्यूशन पर बात करेंगे। बताने से पहले मैं आपको एक किताब है वो किताब के बारे में बताऊंगा, एलन पीज, उसमें लिखा गया है वो बुक जो है सवाल ही जवाब है ना, सवाल ही जवाब है। एक कच्चा सेल्समैन वो होता है जो सवाल के बदले जवाब देता है ना। अगर कोई व्यक्ति कोई आपको सवाल करता है और यदि आप सवाल के बदले जवाब देते हो, इसका मतलब आप कच्चे खिलाड़ी हो। और एक जो मंझा हुआ खिलाड़ी, इसको हम कहते हैं मास्टर सेल्समैन, है ना, यानी कि जो जिसने घाट घाट का पानी पिया होता है, वो होता है सेल्समैन जो सवाल के बदले सवाल पूछता है। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं एक कोई कच्चा सेल्समैन है, आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हो, आप फोर व्हीलर खरीदने जाते हो और आप उस सेल्समैन से पूछते हो कि ये गाड़ी का एवरेज कितना है सर, और वो आपको सवाल के बदले सीधा जवाब देता है कि 10, 12, 15। मंझा हुआ खिलाड़ी ये पूछता है कि सर आपको कितना एवरेज चाहिए, फर्क है दोनों क्वेश्चन में। आपको कोई पूछता है आपके प्लान में पैसा कितना है, और हम बताते हैं सर हमारे प्लान में आप चेयरमैन बन जाओगे, रूबी बन जाओगे तो इतना पैसा है। सवाल के बदले जवाब नहीं देना है। आप एक मास्टर सेल्समैन यदि बनना है, एक मास्टर प्लानर बनना चाहते हो, तो सवाल के बदले सवाल करना शुरू कर दीजिए। सर आपके प्लान में पैसा कितना है, सर आपको कितना पैसा चाहिए, सिंपल। सवाल के बदले सवाल, सवाल ही जवाब है, राइट। तो ये किताब को जरूर मेरे हिसाब से एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्यों, आपको ये आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस को मास्टरी करना है। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं आज का जो ऑब्जेक्शन है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो जब आपके पास में बोलते हैं आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आपको तुरंत एक उसके बदले उसको सवाल पूछना है कि सर इसीलिए तो मैं आपके पास आया। सवाल के बदले आपको सवाल करना है कि सर अगर आपके पास पैसे होते तो मैं आपके पास क्यों आता, पैसे नहीं है इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं। ऐसे तो मैं बहुत पैसे वालों के पास जा सकता था, लेकिन जिनके पास पैसा होता है वो काम नहीं करना चाहते, और जिनके पास पैसा नहीं है वही तो काम करेंगे। तो फ्रेंड इसीलिए तो आपके पास आया हूं कि आपके पास पैसे नहीं है। मेक द कस्टमर कंफर्टेबल। और सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, कैसा लगता है जब पैसे नहीं होते हैं? मैं समझ सकता हूं सर, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हर छोटी छोटी चीजों के लिए आपको किसी न किसी पे निर्भर होना पड़ता होगा। आपके बच्चे अगर कोई फरमाइश करते होंगे, आपकी बीवी अगर कोई नई साड़ी की फरमाइश करते होंगे, आपके माता पिता कोई फरमाइश करते होंगे, तो हर छोटी छोटी चीजों के लिए आपको बहाने बनाने पड़ते होंगे। मैं समझ सकता हूं सर कि पैसे नहीं होने से आपके ऊपर क्या बीतती होगी, लेकिन सर ये समस्या तो आज भी थी, कल भी रहेगी और परसों भी रहेगी और आने वाले दो साल भी रहेगी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आप 15 से 20 साल से आप नौकरी कर रहे हो, लेकिन आज एक छोटी सी रकम के लिए आपने मुझे तो बड़े आराम से बोल दिया कि सर पैसे नहीं है। आप सोचिए 15 से 20 साल आप काम कर रहे हो और आज 3 से 5 हजार रुपए के लिए आप मुझे बोल रहे हो कि पैसे नहीं है। क्या आप चाहते हो कि आने वाले समय में भी आपको ये जो प्रॉब्लम है ये दोबारा आपके सामने ना आवे? क्या आप चाहते हो कि आज से 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी ऐसा आपको जवाब ना देना पड़े? क्या आप चाहते हो ऐसा ही आपके साथ हो, या इसका कुछ सॉल्यूशन करना चाहते हो? फ्रेंड्स यू मेक हिम फील कंफर्टेबल कि मैं समझ सकता हूं पैसे ना होने के कारण आपको छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत दिक्कत होती होगी, लेकिन क्या आप चाहते हो कि आने वाले समय में भी आपको ऐसी ही प्रॉब्लम्स बनी रहे? तो फ्रेंड्स ये आपको समझना है, ये उसको जब आप फील कराओगे तो बोलेगा नहीं।
तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन, एग्जैक्ट लाइन क्या बोलनी है। ऐसी ही समस्या मेरे पास भी आई थी जब मैं ये बिजनेस को ज्वाइन किया था। सर जब मैं आया था इस बिजनेस में तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, और क्या आप जानना चाहोगे कि मेरे पास भी आपके जैसे पैसे ना होने पर भी आज मैं ये व्यवसाय कैसे कर पा रहा हूं? आई एम श्योर आंसर होगा यस, क्योंकि अब आपको बता चुका है पैसे नहीं है। तो सर मेरे पास भी ऐसा ही हालात थे, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस में लाया उसने मुझे इसी बात पे मोटिवेट किया था कि सर अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में आने वाले समय में भी आपके पास प्रॉब्लम ये ना रहे, तो आज आपको कुछ ठोस निर्णय करना होगा, आज आपको कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स हम कहीं ना कहीं शादी ब्याह, हम कहीं पार्टी में, कोई मोबाइल फोन, क्योंकि फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा क्या पैसे नहीं है, इज इट द रियल रीजन? ये केवल एक्सक्यूज होता है, क्योंकि अगर ये रियल रीजन होता 3 से 5 हजार रुपए की ज्वाइनिंग के लिए, क्या वाकई आपको लगता है कि उसके पास 3 से 5 हजार रुपए अरेंज नहीं कर सकता? क्योंकि अगर ये सच होता तो आज लोन पे फोन, आज ईएमआई पे जो 90% जो गाड़ियां रोड पे चल रही है ये ना चलती होती। आज ज्यादातर लोग ईएमआई पे चलते हैं, आज अच्छे से अच्छे मोबाइल आईफोन से लेके आज जितने महंगे महंगे फोन आप देख रहे हो 90% फोन ईएमआई पे होता है। यानी कि पैसों की समस्या नहीं है, उसको कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है। वो आईफोन क्यों लेता है लोन पे, उसको उसकी वैल्यू दिखाई देती है। तो आपने अभी तक उसको अभी तक अपने बिजनेस में उसको वैल्यू नहीं दिखाई दी है, इसीलिए वो 3-5 हजार के लिए आपको वो टाल मटोल यानी कि एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रहा हूं। पैसे नहीं है ये रियल रीजन नहीं होता है, सवाल यह है कि उसको वैल्यू नहीं दिखाई दे रही, राइट? क्योंकि अगर मुझे वैल्यू दिखाई देती है तो मैं घर गाड़ी जो भी मैं लेता हूं मैं ईएमआई पे बंदोबस्त करता हूं। हम गहने भी ईएमआई पे लेते हैं, हम कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं, राइट? तो आपको यह बताना पड़ेगा। नंबर 2 सॉल्यूशन, ये तो मैंने आपको बताया किस प्रकार से बात करते हैं कि सर मेरे पास भी ऐसी समस्या आई थी और मुझे मेरे भविष्य के लिए मैंने उस वक्त पैसे अरेंज किए, क्योंकि हम शादी ब्याह के लिए पैसे अरेंज करते हैं और मैंने पैसे अरेंज किए, मेरे सपनों के लिए मैंने पैसे अरेंज किए। यू कैन टॉक इन दिस वे। नंबर 2 सॉल्यूशन फ्रेंड्स, नंबर 2 सॉल्यूशन कि यदि आपने उसको बताया, उसने आपको बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे ये तो बड़ी छोटी प्रॉब्लम है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सर मुझे बताइए अगर इसके अलावा, मतलब पैसे नहीं है इसके अलावा आपको और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको प्लान, प्रोडक्ट, हमारा बिजनेस प्लान सब कुछ समझ में आ गया है, मतलब पैसा नहीं है इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या यही रियल रीजन है? अब उसके आंसर के लिए वेट करिए। हाँ हाँ सर पैसे नहीं है बस यही मेरा प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स हो सकता है उसका प्रॉब्लम रियल भी हो। अब कैसे चेक करें कि उसका प्रॉब्लम रियल है या आपको सिर्फ गोली देने के लिए वो आपको बात कर रहा है? तो रियल अगर है तो आपको उसके सामने, मैंने कहा था सवाल के बदले सवाल करना है, अगर उसने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है तो आप बोल सकते सर ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो बड़ी छोटी प्रॉब्लम है, सर आपके पास पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे 4 लोगों से मिलवा सकते हो? रुकिए आंसर के लिए, आपके पास पैसे नहीं है आपने बता दिया, तो चलिए मैं आपका इसका सॉल्यूशन देना चाहता हूं, क्या आप मुझे 4 लोगों से मिलवा सकते हो? मैं उन 4 लोगों से मिलके उनको यही सेम प्रेजेंटेशन दूंगा, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन उन 4ों के पास हो सकता है पैसा हो और वो इस व्यवसाय में आपके साथ जुड़ जाए, और यदि वो लोग जुड़ जाते हैं तो आपकी ये जो ज्वाइनिंग की समस्या है वो तो मैं पूरा कर सकता हूं, वो तो मैं आपकी मदद कर दूंगा, हमको केवल उस वक्त उसका विलिंगनेस मीटर चेक करना है, क्योंकि अगर वो वाकई में इस बिजनेस को लेके सीरियस है तो वो आपको 4 लोगों से मिलवाने के लिए तैयार हो जाएगा। आप 4 बोल सकते हो, 5 बोल सकते हो, 10 बोल सकते हो, लेकिन 10 का आंकड़ा फिलहाल ज्यादा है, इसीलिए मैंने कहा कि शुरुआत में आप बोलो केवल 4 लोगों से मिलवा दो। फ्रेंड्स वो वैसे भी जुड़ने वाला नहीं था, वो वैसे भी जुड़ने वाला नहीं था, वो आपको टाल रहा था, लेकिन आपने उसको एक बॉल डाल दिया कि क्या आप मुझे 4 लोगों से मिलवा सकते हो। अगर उसने 4 लोगों से मिलवा दिया और आपने उसको प्लान दे दिया ये व्यक्ति कल उठ के काम नहीं भी करेगा, तो हमको 4 मिले, 4 में से मैं 3, 2 या 1 तो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हमारा काम है मोर द प्लान मोर द बिजनेस वॉल्यूम मोर द मनी।
शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, लेकिन शो द प्लान करने के लिए लोग तो चाहिए, तो लोग कहां से आएंगे? अगर हर व्यक्ति हमको मना करेगा पैसे नहीं है तो हमारे पास लोग कहां से आएंगे? तो जो व्यक्ति आपको मना करता है उससे तुरंत उसी वक्त रेफरल लीजिए। इसको कहते हैं बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ रेफरल्स। सर क्या आपके पास पैसे नहीं है? कोई बात नहीं है, तो बड़ी छोटी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूं, क्या आप मुझे चार लोगों से मिलवा सकते हो? तुरंत वो तैयार हो जाए क्योंकि आपने उसको पैसा नहीं मांगा है, उसको केवल चार रेफरल्स मांगे हैं और वो चार केवल, यानी कि आपका क्या हो रहा है, अगर वो वाकई इंटरेस्टेड होगा तो वो चार लोगों से मिलवाएगा आपको, क्योंकि उसको पैसों की प्रॉब्लम आपने सॉल्यूशन दे दी। एंड फ्रेंड्स, तो यही है आपका, पैसा नहीं है। वैसे मेरे पास पांच सॉल्यूशन और है, अगर आपको ये दो रीजंस, ये दो सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं तो नीचे मुझे बताइएगा कमेंट में कि इन दोनों में से आपको कौन सा वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, राइट, पहले वाला या दूसरा वाला। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको और भी ऐसे कुछ सॉल्यूशंस दूं तो मैं आने वाले समय में और भी ऑब्जेक्शंस पे वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन। अगेन मैं आपको इस वीडियो को समराइज करूंगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, एक चीज आपको याद रखनी है, फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है कि सही बात है सर, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, मैं भी जब इस व्यवसाय में जुड़ने वाला था मेरे पास भी पैसे नहीं थे। तो क्या आप जानना चाहते हो कि मैंने मेरी ये पैसों की समस्या कैसे दूर करी? ये आपको सवाल के बदले सवाल करना है, सवाल ही जवाब है, सवाल के बदले सवाल। क्योंकि हम क्या करते हैं, उसने सवाल किया, अरे यार आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं सर, आप जब पैसा अरेंज करोगे तो मुझे फोन कर लीजिएगा, आपका जिंदगी में कभी उसका कॉल नहीं आएगा, क्योंकि उधर ही अपने को अभी के अभी क्लोजिंग का काम करना होता है, फॉलो अप में कोई नहीं आता, आपके सामने कस्टमर बैठा हुआ है, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए। तो सवाल के बदले सवाल करना है, फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है, इस तरह से आप अपने पैसे नहीं है इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। तो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर आनंद वाजपेयी फ्रॉम मुंबई, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ढेर सारे सवालों के जवाब लेकर आने वाले मेरे वीडियो आने वाले हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको कैसा लगा ये टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।